नमस्कार सभी किसान भाइयों को, राम राम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से पंखिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर। जो भी चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, पास में घंटी का निशान है वो जरूर दबाएं, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी किसान भाइयों तक पहुँच सके। तो आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है ये गाय का वीडियो, कुछ दिनों बाद वापस डाला मैंने। और ये गाय जब हम लाए थे तो उसके बाद थोड़ा बीमार हो गई थी, खाना पीना कम कर दिया था, फीवर वगैरह आ गया था, तो अब बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है ये और धीरे धीरे इसके रंग पे आ रही है वापस से। क्योंकि जब ये आई थी जब 8.5-9 किलो एक टाइम का दूध लगा रही थी और फिर ये बुखार आने से 2.5-3 लीटर पे चले गई थी, अब वापस धीरे धीरे इसके रंग में आ रही है और खाना पीना स्टार्ट कर दिया, एकदम परफेक्ट हो चुकी है अब। और अब धीरे धीरे उसकी हेल्थ में भी काफ़ी सुधार आ चुका है, अब एकदम परफेक्ट हो चुकी है। और अभी 7.1 kg ये दूध एक टाइम का लगा रही है, देख सकते हैं आपकी इसकी मिल्क वेंस जो है कितनी मोटी है। मेरे को उम्मीद थी कि गाय कम से कम 24 लीटर के आसपास लगा देगी, लेकिन ये जिस हिसाब से आगे बढ़ी थी उसी हिसाब से वापस से पीछे आ गई थी। तो इसके अर्डर में से देख सकते हैं आप जोश भी काफ़ी कम हो गया है, लेकिन अब ये एकदम परफेक्ट हो चुकी है, अब धीरे धीरे वापस दूध पर आ रही है। तो कुछ मेरे किसान भाई मित्र जो हैं उन्होंने इस गाय को लेने की डिमांड भी कही थी, लेकिन मैं इस गाय को नहीं दे पाया क्योंकि मैं खुद सेटिस्फाई नहीं था इस गाय से। तो मैंने सोचा कि आगे मैं इस गाय को दे के और गाय बिगड़ जाएगी, इस कारण से मैंने इसको मेरे पास ही रखना सही समझा था। और अब ये वापस से सेल के लिए तैयार है और कोशिश करूँगा बहुत जल्दी इसका 20 के ऊपर दूध निकाल लूँगा। और एक गाय और मेरे घर पर देख सकते हैं आप, इसका अभी 18 लीटर के आसपास दूध तैयार है, किसी दिन 17 भी दे देती है, किसी दिन 18 भी दे देती है, अप डाउन चलता रहता है। और ये जो गाय ये भी अब बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, अब इनको सिर्फ समय लगेगा 8 से 10 दिन और, जिसमें ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, जिससे कि ये इनके वापस मिल्किंग की कैपेसिटी पे आ जाए। तो ये मैंने अपने मिल्किंग का वीडियो भी आप सभी किसान भाइयों के सामने रखा है आज सुबह का मॉर्निंग का, ताकि इससे अपने को पता चल जाए कि क्या अभी इसकी दूध की क्षमता है। 7.1 kg इसका दूध आज मॉर्निंग में निकला था। तो गाय धीरे धीरे वापस अपने रंग में आती गई और बहुत जल्द उनकी जो मेन पीक पॉइंट है वहाँ तक पहुँच जाएगी। और अभी फीडिंग थोड़ी कमी कर रहा हूँ, शुरू में स्टार्टिंग में ज़्यादा फीड देने के कारण भी थोड़ा सा क्या है कि मामला गड़बड़ हो गया था, लेकिन इतनी समझ होने के बाद भी कभी कभी गलती हो जाती है। तो थोड़ा सा उसकी फीड भी कम कर दी अभी मैंने और धीरे धीरे स्टार्ट करी वापस फीड देना। अभी 1600 ग्राम मतलब लगभग 1 किलो 600 ग्राम के आसपास, अभी उसको मैं 2 किलो के आसपास उसको मैं पशु आहार दे रहा हूँ और गली हुई खल दे रहा हूँ लगभग 1 किलो के आसपास। तो सूखी खल उसका 1 किलो का वजन है, तो गल के थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो अभी इतनी फीड उसको मैं दे रहा हूँ और धीरे धीरे उसकी फीड वापस बढ़ा के और उसको वापस उसके पीक पॉइंट पे लेकर आने की कोशिश करूँगा। तो लेकिन ये गाय मैं अभी जब तक नहीं बेचना चाह रहा हूँ, जब तक मैं इसको खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाऊँ, मुझे खुद को संतुष्टि नहीं होगी, जब तक मैं अभी इसको किसी को नहीं देना चाहता, मैं इसको वापस 20 लीटर के आसपास लाकर और उसके बाद ही इसको सेल करूँगा। क्योंकि मेरा भी एक नियम है कि मुझे खुद को जब तक संतुष्टि नहीं होती मैं पशु किसी को नहीं देता हूँ। जबकि मेरे जो कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर भी हैं और उन्होंने गाय के लिए मुझे ऑर्डर भी दे रखा, पेमेंट भी जमा कर रखा, लेकिन उनको मैंने ये गाय नहीं दी है। कुछ मेरे कस्टमर्स ऐसे भी जिनको दूसरी जगह से मैंने अभी ख़रीद के दी है गायें, लेकिन इस गाय ये गाय मेरे घर पर होने के बावजूद मैं इसको नहीं दे पाया। उसका मेन कारण यही था कि अभी तक मुझे इससे संतुष्टि नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे वापस से उसकी मेन पीक पॉइंट पर आने की कोशिश कर रही है गाय भी अभी। और खाने पीने में भी एकदम परफेक्ट हो चुकी है, किसी प्रकार की अब कोई उसमें टेंशन नहीं है, फीवर वगैरह भी सब नॉर्मल है। तो अब जैसे ही वो गाय उसके मेन उसमें आ जाएगी उसके बाद ही इसको अपन सेल करेंगे। तो देख सकते हैं 10 लीटर की बाल्टी है और फेस इसके अंदर काफ़ी फेस भी है, तो उस हिसाब से 7.1 kg अभी दूध निकला था इसका।
और बहुत जल्द इसका मिल्क में 20 प्लस कर दूंगा। धीरे धीरे फीड बढ़ाऊंगा इस बार में अब। तो मैंने कुछ चेंजेस भी करे हैं अपनी फीड खिलाने की टेक्निक्स में, कुछ चेंजेस करे हैं, जैसे कि जो मैं सुखला दे रहा था उसको मैं गला कर खिला रहा हूँ अभी, और उसकी भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर देऊंगा। इस वीडियो के बाद शायद वो वाली अपलोड करूँ मैं कि किस तरीके से मैंने अपनी टेक्निक्स चेंज करी है थोड़े खिलाने पिलाने में, क्योंकि पशु बहुत काफ़ी मात्रा में अभी लूज़ मोशन हो रहा था उनको, दस्त जा रही थी सभी गायें अभी, उससे भी गायों में इफ़ेक्ट पड़ा था मिल्क में। तो मैंने कुछ चेंजेस करे मेरी खिलाने की टेक्निक्स में, तो उससे फ़ायदा भी हुआ मुझे। अभी 3 दिन हुए मुझे खिलाते हुए और काफ़ी फ़ायदा भी हुआ मुझे उससे, तो मैं आप सभी के साथ शेयर भी करूँगा कि मैं किस तरीके से उनको भी खिला रहा हूँ। तो मेरा एक सीधा सा नियम है, मैं जब भी किसान को पशु सेल कर रहा हूँ जो कि मुझे संतुष्टि हो जाती है, और कोई किसान अगर लेना भी चाहता है तो मैं उसको पूरी ओरिजिनलिटी बता देता हूँ कि ये गाय में ये प्रॉब्लम है, अगर लेना हो तो ठीक है, नहीं लेना हो तो कोई बात नहीं। पशु के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो मैं क्लियर बोल देता हूँ। और देख सकते हैं आप ये मिल्किंग का वीडियो इसका, और कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द इसका 20 लीटर का भी मैं दूध का मिल्किंग का आप सभी किसान भाइयों के सामने रखूँ। तो अभी तो सेल करने का मूड नहीं है इस गाय को, लेकिन जब तक सेल नहीं करूँगा जब तक ये 20 लीटर पे नहीं आ जाए पूरी कोशिश मेरी करता रहूँगा, क्योंकि मैं हार नहीं मानता हूँ। कुछ पशु मेरे ऐसे भी हैं, अभी मैं आपको उसकी भी डिटेल बताऊँगा। मैं जो पंजाब से एक गाय लाया था उसका अर्डर बिल्कुल पत्थर बन गया था, उसके पास मुश्किल से 1.5 लीटर दूध निकल रहा था, लेकिन उसको भी मैं धीरे 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 करके और उसको भी परफेक्ट कर दिया मैंने। उसका भी बहुत जल्दी मैं वीडियो डाल के आपको शेयर करूँगा कि मैंने कौन से इंजेक्शन यूज़ करे थे जिससे कि उसका अर्डर बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो गया। डॉक्टर ने भी लगभग हार मान ली थी कि गाय सही होना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी और उसको भी ठीक कर लिया है पूरी तरीके से। उसमें पैसा भी बहुत लगा है, काफ़ी पैसा भी मैंने खर्च किया उसके अंदर, लेकिन मेरा मेन जो मोटिव था वो यही था कि उस गाय को बस कैसे भी करके ठीक करना है। तो वो मैं ठीक कर चुका हूँ पूरी तरीके से, तो उसका भी मैं वीडियो शेयर करूँगा कि मैंने कौन कौन से इंजेक्शन यूज़ किए थे और क्या क्या कितना समय लगा उसको सही करने में। उसको मैस्टाइटिस थनेला हो गया था और पूरा पत्थर हो गया था उसका अडर भी, तो उसको भी मैंने ठीक कर लिया है। तो आप सभी किसान भाइयों के सामने ये मिल्किंग का वीडियो मैं लेकर आया हूँ ताकि किसी प्रकार का इसमें आप सभी किसान भाइयों के सामने बिल्कुल क्लियर मिल्किंग होती हुई, किसी प्रकार का कोई पॉज नहीं किया इसमें, किसी प्रकार का कोई वीडियो को रोका नहीं गया ताकि एकदम क्लियर सबको समझ में आ जाए। और देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने मैं इसको बिल्कुल ज़ीरो करके नापूंगा, 7.1 kg, जबकि 10 लीटर की बाल्टी है, उसके बाद भी 7.1 kg इसके अंदर दूध आया है। किसी भी व्यक्ति को, बहुत से लोग तो ऐसी बाल्टी में फुल कर देते हैं फेस की और बोल देते हैं कि हमारी गाय 20 लीटर दूध देती है और सेल कर देते हैं, लेकिन जितनी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे आप, आपके बिजनेस के अंदर उतना अच्छा चलेगा। तो ये देख सकते हैं आपके सामने पूरी बाल्टी के बाद में, बाल्टी का ज़ीरो वजन करने के बाद में 7.1 kg इसका मिल्क निकला है, और बाल्टी का वजन नहीं दिखा पाया था इसलिए मैं एक बार और इसको फिर से वापस से उसमें डलवाऊंगा और एक बार और क्रॉस चेक करूंगा। देख सकते हैं आप ये माइनस में 1.8 kg जो इसका है बाल्टी का वेट है, ये देख सकते हैं -1.81। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कोशिश करूँगा कि अच्छी अच्छी गायों के वीडियो आप सभी किसान भाइयों तक शेयर करता रहूँ। धन्यवाद।